ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर चुकी हैं अंडरवर्ल्ड डॉन की ये गर्लफ्रेंड। एक्ट्रेस मोनिका बेदी की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इसमें बॉलीवुड की मसाला फिल्म के सभी टर्न और ट्विस्ट हैं। 18 जनवरी 1975 को पंजाब के होशियारपुर में जन्मी मोनिका भले ही आज ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हों, लेकिन उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की गर्लफ्रेंड होने की वजह से चर्चा में रहा है। लेकिन उनकी जिंदगी के कई अनकहे पहलू भी हैं। मोनिका के पिता पेशे से डॉक्टर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1979 उनके माता पिता में नॉर्वे जाकर रहने लगे। मोनिका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साहित्य की पढ़ाई की। मोनिका ने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई शहर की तरफ कूच किया। मोनिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म ताजमहल से की थी, लेकिन यहाँ फिल्में मिलने के साथ उनकी दोस्ती हो गई अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से। इस दोस्ती की वजह से बॉलीवुड की कई फिल्में मोनिका को मिली, लेकिन अपराध जगत से वास्ता भी हुआ। मोनिका को 2002 में उन्हें अबू सलेम के साथ पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन एक आम सी लड़की की मुलाकात अबू सलेम से कैसे हुई, ये सवाल हमेशा बना रहा।